सेल्समैन नहीं दे रहा राशन कार्ड भी रखे, अब दे रहा धमकी। शिवपुरी की वार्ड क्रमांक 2 शक्तिपुरम खुड़ा के रहवासी मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। यहां आवेदन के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाते हुए रहवासी हरिराम संग्राम झूला और अन्य ने कहा कि वो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उचित मूल्य की दुकान वार्ड क्रमांक 2 के सेल्समैन दीनू द्वारा उपभोक्ता के राशन कार्ड अपने पास रख लिए गए हैं। खाद्य सामग्री का वितरण जो है वो नहीं कर रहा है, जिससे उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जब उससे बात की जाती है तो वो कहता है कि मेरे पास कोई माल नहीं है, मैं जब चाहूँगा तब राशन का वितरण करूँगा, लेकिन सेल्समैन के द्वारा अभी तक राशन नहीं दिया गया है। सेल्समैन ने हमारे कार्ड भी रख लिए हैं, ऐसा उपभोक्ताओं का कहना है, और ऐसा बताया जा रहा है कि उसने सारा राशन बेच दिया, इसलिए मामले में कार्रवाई की जाए और सेल्समैन को वहाँ से हटाया जाए। कहाँ से आए हो? बेरदा। क्या परेशानी है? हमको 3 महीने से कंट्रोल नहीं मिला। कंट्रोल राशन नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पता नहीं क्यों नहीं है, बंद हो गया का क्या हो गया, नहीं मिला। राशन की दुकान ही नहीं है वहाँ पे? तो सर ही पर वो हमारे समझते तो दुकान ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, हाँ। पूरे गाँव को नहीं मिला? पूरे गाँव को नहीं मिला। कंट्रोल संचालक क्या कह रहे हैं? वहाँ पूछे थे तो मैंने कहा देता, मैं किसी को गेहूँ नहीं देता, ना मेरे पास है। इसकी शिकायत आपने पहले की? की नहीं की। तुमने कहीं शिकायत कर देंगे तो क्या कहते? वो जानता करो, मेरे पास कोई आवंटन नहीं है। आवंटन ही नहीं है? नहीं है मेरे पास। क्या नाम है उसका मालूम है? देवेंद्र यादव।